अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई के बाद सियासत भी काफी तेज हो चुकी है। आज टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी के दौरे पर जाएगा और 6 सदस्यीय टीएमसी प्रतिनिधिमंडल दोपहर 12 बजे जहांगीरपुरी पहुंचेगा। खास बात इसमें यह है कि इस प्रतिनिधिमंडल में सभी टीएमसी के नेता, महिला नेता शामिल होंगी। जहांगीरपुरी दौरे के दौरान टीएमसी प्रतिनिधिमंडल स्थानीय लोगों से मुलाकात करेगा और एनडीएमसी की ओर से की गई कार्रवाई की जाँच भी करेगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर सियासत जारी है। आज टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी का दौरा करेगा, जिसे टीएमसी ने फैक्ट फाइंडिंग टीम नाम दिया है। इस टीम में 5 सांसद होंगे और सबसे खास बात ये कि ये सभी महिला सांसद हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का भी एक प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी का दौरा करेगा, जो एनडीएमसी की ओर से की गई कार्रवाई की जाँच करेगा। इससे पहले कल कांग्रेस का एक दल जहांगीरपुरी पहुँचा था, जिसकी अगुवाई अजय माकन ने की थी। जहांगीरपुरी अतिक्रमण मामले को लेकर अजय माकन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, बीजेपी शासन में देश में कानून का राज नहीं है। कहा, हमें नहीं जाने दिया, कार्रवाई बहुत गलत है, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कि लोगों को धर्म के नाम पे बांटा जाए, ताकि लोग बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटक जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, ये जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण तोड़ने पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन इस मामले पर राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी ने अब पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से भी बुलडोजर चलवाने की मांग की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है। आदेश गुप्ता ने लिखा है कि इन इलाकों में बांग्लादेशी, रोहिंग्या एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहांगीरपुरी की घटना के बाद देश में सनातन सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जो माहौल क्रिएट किया है दिल्ली के जहांगीरपुर के इशू को लेकर के, क्या ये सच नहीं है कि ये वो ही लोग हैं जो कभी CAA के नाम पर देश में एक विरोध का झंडा उठाने का काम किया। यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किसी जहांगीरपुरी में कोई फौजी है, कोई पेशे से डॉक्टर है, कोई पेशे से इंजीनियर है, तो कोई पेशे से कॉन्ट्रैक्टर भी है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर आई हूँ। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर भगवान होते हैं, अल्लाह होते हैं। जहांगीरपुरी में आप कब से हैं और कब से लोगों का इलाज कर रहे हैं? सन 90 से कर रहा हूँ। मेरे पास तो सारे आते हैं, हिंदू मुसलमान सारे आते हैं। मेरा चौधरी ओम सिंह नाम है। चौधरी साहब, कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ पर दिल्ली में तो 1975 से हूँ और जहांगीरपुरी 1980 से हूँ। 16 तारीख और आज 21 तारीख में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप, कैसे हैं? यहाँ पर जो फ़र्क दिखाई दे रहा है कि जहांगीरपुरी को एक तरह से इस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है मीडिया के अंदर कि भाई जैसे ये बहुत बदनाम जगह है और यहाँ पर बहुत गलत आदमी रहते हैं। मैं भी जहांगीरपुर में पैदा हुआ हूँ, मैं भी यहाँ व्यापार चलाता आया हूँ, दुकानदार आदमी भी हूँ, तो ऐसा कोई माहौल नहीं है, पर माहौल ख़राब करा जा रहा है। ये किसी राजनीतिक पार्टी का, मान लीजिए मैं तो ये कहूँगा, जहांगीरपुरी के अंदर हम लोग ईद पे जाते हैं, ईद की सेवैयाँ खा के आते हैं, वो लोग दिवाली पे हमारे घर पे आते हैं, गीत भी गा रहे हैं, कोई देशभक्ति गाना जी जरूर।